नमस्कार, राजिंदर अवेयरनेस सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे स्लाइड में ट्रांजिशन क्या होता है और उसमें ट्रांजिशन के विभिन्न इफेक्ट किस प्रकार से डाले जाते हैं, साथ ही साथ ट्रांजिशन करते समय साउंड कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और साथ ही साथ आप ट्रांजिशन को, स्लाइड ट्रांजिशन को मैनुअल यानी कि स्पेस बार करने पर ही जो है दूसरा स्लाइड आएगा या फिर आप ऑटोमेटिक कैसे कर सकते हो एक टाइमिंग के साथ, है ना। तो इस बात को आज हम देखने का प्रयास करेंगे। तो पहले आप जान लीजिए कि भाई स्लाइड ट्रांजिशन होता क्या है। मैं आपको दिखा देता हूं पहले एक प्रेजेंटेशन। ये मेरा पहला स्लाइड है, अब मैं स्पेस बार करता हूं, बिल्कुल आराम से स्लाइड टू आ गया। अब स्लाइड थ्री में जाता हूं स्पेस बार से, जो तीसरा जो आया है वो बिल्कुल फ्लैश लाइट की तरह आया एकदम, है ना, फ्लैश वाला इफेक्ट मैंने यहां पर डाला है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूं, बिल्कुल बॉक्स की तरह बन के लेफ्ट की ओर गया और दूसरा स्लाइड राइट की ओर से आया, है ना। इस तरह का मैंने इफेक्ट डाला है, मीन्स अलग अलग स्लाइड में अलग अलग प्रकार के इफेक्ट डाला है, या तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग स्लाइड ट्रांजिशन में अलग अलग इफेक्ट डाला है। और ये बंद हो गया है। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है। प्रेजेंटेशन के दौरान या स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड के बाद दूसरा स्लाइड आता है, है ना, फिर तीसरा स्लाइड आता है, तो वो स्लाइड के आने और जाने की जो प्रक्रिया है उसी को हम बोलते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जब स्लाइड चेंज होता है उस चेंज होने को ही हम बोलते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। ठीक है, अब उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब वो स्लाइड जो जा रहा है और आ रहा है वो किस प्रकार से जाए और आए, कौन सा उसमें इफेक्ट आए, स्पेशली जो स्लाइड आ रहा है उसमें किस प्रकार से इफेक्ट आए, उसी को हम कहते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट। तो उसके थ्रू हम ये तय कर सकते हैं कि स्लाइड जो आ रहा है वो किस प्रकार से आएगा, घूमते हुए आएगा या फिर अंदर से बाहर की ओर आएगा या बॉक्स टाइप में बन के आएगा या चेक रिपोर्ट टाइप से बन के आएगा। ये अलग अलग स्टाइल है आने का, वो हम तय करते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं किस प्रकार से तय करते हैं, फिर आगे से बढ़ते हैं। इसके लिए हम चलते हैं, ऑल्ट करता हूं, देखिए ट्रांजिशन टैब में ही आ गया हूं मैं। अगर मैं नहीं आता यहां पर होम टैब या किसी और टैब में होता तो राइट लेफ्ट एरो से आता, क्योंकि अपर रिबन में आप राइट और लेफ्ट एरो से ही एक टैब से दूसरे टैब में जा सकते हो, यह आपको पता होगा। टैप करते हैं Submenu, transition effects button, alt followed by transition effect, है ना? यानी कि यहाँ पर हम सेट करेंगे कि कैसे जो है वो स्लाइड आए। जैसे ये स्लाइड वन है तो ये कैसे आए, अगर मैं स्लाइड टू में हूंगा तो स्लाइड टू कैसे आए। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमें उस स्लाइड में होना है जिस स्लाइड का हमें ट्रांजिशन चेंज करना है, है ना। तो यहाँ पर ऑल डाउन एरो करते हैं, alt down arrow, transition to the slide toolbar, flip button, leaving shape button. Airplane button, shape, flip button selected. Switch grid, 34 of 49. Shred grid, 33 of 49. Shred grid, 33 of 49. Shred वाला लेते हैं, चलिए मान लीजिए। और इसमें आप सीधा सीधा enter कर दीजिए। Enter. है ना? Demo presentation slide, 1 of 4. No selection. वो आ रहे हैं। यहाँ पर आपको application key करने की आवश्यकता नहीं है। ये जिस slide पर आप होंगे, उसी slide पर apply होगा। आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने डिजाइन कवर किया था, स्लाइड का डिजाइन कैसे करते हैं। वहां पर एप्लीकेशन करना जरूरी था कि आपको सिलेक्टेड स्लाइड में जो सिलेक्ट किया है उस स्लाइड में लगाना है या फिर ऑल स्लाइड में लगाना है उस डिजाइन को, है ना। लेकिन यहाँ ऐसे कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ अलग से ऑप्शन दिया हुआ है, वो मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। तो अब देखता हूं F5 करके कैसा आ रहा है ये। पूरा घूमता हुआ इस तरह से आया। अब मैं दूसरे स्लाइड में अगर लगाना चाहता हूं तो मैं दूसरे स्लाइड में जाता हूं पहले, स्लाइड में जाना जरूरी है और फिर ऑल्ट करता हूं, ribbon, transitions tab, alt followed by उसके बाद मैं टैप करता transitions, हूं, preview button, alt, transition effects button, alt down arrow, leaving menus, crush button selected. तो ये ऑल डाउन एरो किया मैंने,
उसके बाद फिर फ्रैक्चर ग्रिड प्रेस्टीज वाइड रिपल ज़ूम रोटेट बटन रोटेट में चलते हैं विंडो ग्रिड 40 रोटेट ग्रिड 46 ऑफ 40 रोटेट में जाकर मैंने एंटर कर दिया ओवरव्यू ऑन डिसेबिलिटी स्लाइड 2 ऑफ 4 नो सिलेक्शन नो सिलेक्शन राइट F5 करके दिखाता हूं मैं आपको यूट्यूब प्रेजेंटेशन स्पेस ये पहला मेरा आया और दूसरा देखिए वो बिल्कुल स्लाइड स्लाइड 1 लेफ्ट की ओर खिसकता हुआ गया और स्लाइड 2 राइट की ओर से आया राइट इस तरह से हो रहा है अभी Escape, YouTube presentation. तो मैंने escape किया, अभी मैं slide 2 में ही हूँ. Title, placeholder, level. ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि इसमें जो ये slide 2 में मैंने transition effect लिया है, क्या उसमें भी कोई option है? उसके अंदर भी कोई option है? तो alt करता हूँ. Upper ribbon, ribbon, transitions tab, transitions, preview button, alt followed by K. तो अभी ये left से आ रहा था, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि वो down? डाउन से ऊपर की ओर आए अप की ओर आए या अप से डाउन की ओर आए ऐसा हो सकता है क्या सब मेन्यू ट्रांजिशन इफेक्ट्स बटन ऑल फॉलोड बाय तो ट्रांजिशन इफेक्ट से तो हमने ट्रांजिशन में वो इफेक्ट डाला जो भी बाय डिफॉल्ट इफेक्ट है अब उस इफेक्ट में थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं मैं तो टैप करता हूं मेन्यू इफेक्ट ऑप्शन सब मेन्यू ऑल देखो इफेक्ट ऑप्शन ध्यान देखना पहले वाला ऑप्शन था ट्रांजिशन इफेक्ट जिसमें कि वो डिफॉल्ट इफेक्ट डाल देता है जो भी आप लोगे उनमें से ऑप्शन में से एक इफेक्ट डाल देगा जो भी उसका डिफॉल्ट होगा यहां पर अभी राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है स्लाइड जब भी स्लाइड टू आएगा तो लेकिन मैं चाहता हूं कि उसका जो स्टाइल ऐसा ही रहे इफेक्ट वही रहे लेकिन उसके अंदर वो ऊपर से नीचे की ओर आए है ना तो इसके लिए मैं कहां जाऊंगा इफेक्ट ऑप्शन ट्रांजिशन इफेक्ट मैंने डाल दिया है अब इफेक्ट का ऑप्शन क्लियर तो इसमें ऑल्ट डाउन एरो करूं ऑल्ट डाउन एरो लिस्ट बॉक्स इफेक्ट ऑप्शंस लिस्ट बॉक्स फ्रॉम राइट बटन सिलेक्टेड ठीक है फ्रॉम राइट ऑलरेडी सिलेक्टेड है फ्रॉम बॉटम फ्रॉम लेफ्ट फ्रॉम टॉप मैं चाहता था कि ऊपर से नीचे की ओर आए है ना फ्रॉम टॉप आप अगर फ्रॉम बॉटम सेलेक्ट करते हो तो नीचे से ऊपर की ओर आएगा तो इसमें एंटर कर दिया एंटर लीविंग मेन्यूज ओवरव्यू ऑन डिसेबिलिटी स्लाइड 2 ऑफ 4 टाइटल है ना अब दिखाता हूं मैं F5 YouTube presentation .ttx-powerpoint demo presentation slide no selection slide वो ट्रांजिशन जो है ऊपर से नीचे की ओर आया चेंज होते हैं स्लाइड चेंज इस तरह से हुआ कि वो ऊपर से नीचे की ओर आया तो इस प्रकार से आपने देखा दो ऑप्शन के कॉम्बिनेशन से एक तो है ट्रांजिशन इफेक्ट और दूसरा है उसका ट्रांजिशन इफेक्ट का ऑप्शन जिस प्रकार का आप ट्रांजिशन इफेक्ट लोगे दूसरे में उसी प्रकार का उसका ऑप्शन मिलेगा क्लियर तो ये आप करके देखेगा फिर आप देखते हैं क्या हम स्लाइड में साउंड लगा सकते हैं अभी मैं दूसरा स्लाइड में हूं दूसरे नंबर का स्लाइड में हूं तो क्या इसमें साउंड लगा सकते हैं ट्रांजिशन में जब एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड चेंज हो तो आवाज आए है ना ये विजुअल इंपैक्ट के लिए अच्छा हो सकता है उसको पता चल सकता है कि स्लाइड चेंज हो गया है upper ribbon, ribbon, transitions tab. ट्रांजिशन में गए और टैप करते transitions, हैं preview, submenu, transition effects, menu, effect option, submenu, alt followed by K. ट्रांजिशन इफेक्ट और इफेक्ट ऑप्शन ये तो हम कर चुके हैं ये इफेक्ट ट्रांजिशन इफेक्ट के अंदर जो है इफेक्ट ऑप्शन है ये हम कर चुके हैं timing sound combo box left bracket no sound right bracket ठीक है साउंड में नो no साउंड बोल रहा है तो हम alt down arrow list box sound list box left bracket stop previous applause arrow bob breeze है ना bob arrow एरो ले लिया मान लीजिए और इसमें एंटर कर दीजिए एंटर लीविंग मेन्यूज ओवरव्यू ऑन डिसेबिलिटी स्लाइड 2 ऑफ 4 और F5 करके देख लेते हैं क्या साउंड आया F5 YouTube presentation.ppt-x-power ये तो पहला स्लाइड है स्लाइड 1 डैश डेमो प्रेजेंटेशन हेडिंग लेवल 1 देखिए सा किया स्लाइड 2 डैश ओवरव्यू ऑन डिसेबिलिटी डिसेबिलिटी है ना एस्केप YouTube प्रेजेंट करते हैं अब तीसरे में जाते हैं स्लाइड में पेज डाउन नो सिलेक्शन व्हाट इज इट एक बार फिर लगा लेते हैं साउंड ट्रांजिशंस टैब ट्रांजिशंस प्रीव्यू बटन सब मेन्यू मेन्यू इफेक्ट ऑप्शन timing sound combo box left bracket hold down arrow left applause arrow applause enter leaving menus what is inclusion question है ना और F5 करते हैं क्या F5 YouTube presentation space slide 2 dash overview question backslash robo dash fs backslash quick escape YouTube presentation मतलब बीच में आप प्रेजेंटेशन को रोक सकते हो escape करके अब मैं चाहता हूं कि ये जो है प्रत्येक स्लाइड में एक ही हो मान लीजिए आपने एक ट्रांजिशन इफेक्ट लिया और उसके बाद एक जो है साउंड लिया है ना और आप चाहते हो सारे स्लाइड में एक ही हो जाए तो ऐसा कैसे करते हैं तो इसके लिए ऑल्ट किया ribbon, ribbon, transition, transitions, preview, but, submenu, transition, menu, effect options unavailable.
Timing sound combo box applause alt followed by K. Sound 0.00 duration edits mid box 0.0 apply to all button alt followed by KL. अब यहाँ पर देखिए एक आया apply to all. तो मैं इसमें apply to all कर देता हूँ. Space leaving menus what is inclusion question. अब देखते हैं क्या हुआ. 5. F5. Presentation slide no selection slide one dash demo presentation. चौथा में आपने कुछ नहीं किया था क्या वहां भी वही आ रहा है ना? तो क्या है कि अप्लाई टू ऑल यहाँ पर अलग से ऑप्शन है. अगर मैं उसमें स्पेस बार या एंटर कर देता हूँ तो ट्रांजिशन इफेक्ट जो मैंने लास्ट में सिलेक्ट किया था तीसरे स्लाइड में वही सब में लग गया है जो फ्लैश वाला लिया था. और साथ ही साथ साउंड भी जो मैंने तीसरे में लास्ट में जो लिया था वही जो है सब स्लाइड में लग गया. तो अगर आप ये चाहते हो कि प्रत्येक स्लाइड में आपके प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड में एक ही प्रकार का जो है ट्रांजिशन इफेक्ट हो और एक ही प्रकार का साउंड भी अगर लगाना है तो लगाएं ट्रांजिशन में, यानी कि स्लाइड जब चेंज होगा उस दौरान, तो ऐसे में आप क्या करोगे, आपका कोई भी स्लाइड खुला हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बार अप्लाई कीजिए, एक ही बार ट्रांजिशन इफेक्ट और एक ही बार साउंड, और उसके बाद अप्लाई ऑल कर दीजिए, तो वो जो आपने लिया है वो सारे में अप्लाई हो जाएगा. अगर आप अलग अलग स्लाइड में लेते हो और उसके बाद आप अप्लाई ऑल कर देते हो तब क्या हो रहा है, जो लास्ट वाला है वो सब में अप्लाई हो जा रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं है अलग अलग लिया हुआ, पहली बात. अगर आप चाहते हो कि अलग अलग स्लाइड में अलग अलग ट्रांजिशन इफेक्ट हो और अलग अलग साउंड आए, राइट, तो ऐसे केस में आपको अप्लाई ऑल में एंटर नहीं करना है, उसको स्किप कर दो, उसको छोड़ दो. अभी तो मैं स्लाइड को मैन्युअली स्पेस बार करके चेंज कर रहा था, अब मैं चाहता हूं कि मैं स्लाइड शो करूं वो एक ड्यूरेशन के बाद, एक टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली वन बाय वन स्लाइड चलता रहे, राइट. तो हम चलते हैं, ऑल्ट करते हैं, ribbon, transitions tab, alt follow, transition tab में ही टैप करते हैं, transitions, submenu, menu, timing, sound combo box, applause, alt follow, 0.0, apply to all button, alt follow by KL, on mouse click checkbox checked, alt follow by KL. यहाँ पर on mouse click checkbox check है. अगर मैं on mouse click को checkbox uncheck कर देता हूँ पहले, क्योंकि चेकबॉक्स है. Space, leaving menus. What is discrimination question? Slide 404. No select. मैं फिर नीचे आ चुका हूँ अनचेक करने के बाद, फिर ऑल्ट करता हूँ. Upper ribbon, ribbon, trap, sub, tap करता हूँ. Timing, sound combo box, sub, zero, apply to all. On mouse click checkbox not checked. Alt followed by KM. On mouse click checkbox not checked. On mouse click का मतलब ये हुआ कि जब मैं स्पेस बार करूँ, साइटेड पर्सन क्या करेगा या लो विजन क्या करेगा, वो माउस से क्लिक करेगा. हम स्पेस बार से करते हैं तो उसी को बोल रहे हैं ऑन माउस क्लिक. चेकबॉक्स अनचेक हो गया, टैप करता हूँ. After checkbox not checked, alt followed by K. After checkbox not check, इसको आप चेक कर दीजिए. Space, leaving menus. What is discrimination question? Slide 404. No. After check को चेक कर दिया, फिर alt करते हैं. Upper ribbon, ribbon, transition tab. अब time देते हैं. वो checkbox check हो गया after. अब time देते हैं after कितना time? Transition, submenu, timing, sound, apply to all. On mouse click checkbox not checked. Alt, after checkbox checked. Alt follow 00:00.00. After edits. 00:00.00. या तो आप सीधा लिख दीजिए या up and downer से बढ़ाइए. तो मैं 00:01.00, 00:00.00, 00:04.00, 00:05.00, 00:05.00. तो मतलब 5 सेकंड में ये चेंज होना चाहिए, राइट. अब मैं यहाँ से After checkbox check, on mouse click, apply to all button, alt followed by KL. Apply to all में जाकर enter कर देता हूँ. Shift tap करके back आया और enter कर दिया. Enter, leaving menus, overview on disability slide, 204, followed by KI. तो मैं F5 कर लेता हूँ. F5. पहला स्लाइड आया है. Presentation, heading level 1 demo presentation. दूसरा स्लाइड भी आया है. Disability, heading level 1 overview on disability. The World Health Organization states that, quote, disability is an inclusion. तीसरा में भी गया. Question, inclusion, question, question. ये पढ़ रहा है वो सब चीजें. चौथा में भी गया. Discrimination question, heading level 1, what is discrimination question? Treating a person with disability less favorably than a person with land. और ये समाप्त हो गया. उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा. यहाँ पर मैं यही एडवाइस करूंगा जो टोटली ब्लाइंड पर्सन है, साउंड आप लगा लीजिए अगर आपको लगाना है तो, लेकिन इतना लंबा साउंड नहीं लगाना है जैसा मैंने लगाया था क्लैपिंग का. बिल्कुल छोटा सा साउंड लगाया जो मैंने पहले लगाया था, स्विप सा आवाज आ रहा था जिसमें, जिसे कि मालूम चले कि स्लाइड चेंज हो रहा है.
वैसे भी आप स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर से यूज करोगे तो स्लाइड चेंज होने पर मालूम चल ही जाएगा, क्योंकि आपका टेक्स्ट जो पढ़ेगा जॉज या एनवीडीए वो पढ़ के सुना देगा, तो आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सा स्लाइड आया हुआ है ना। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप ट्रांजिशन इफेक्ट का यूज करें, राइट? लेकिन फिर जरूरी नहीं है तो क्यों करें, है ना? अट्रैक्टिव वे में आप उसको प्रेजेंट कर पाए, अदरवाइज सिंपल भी आप रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं आता है। मैं भी ऐसा कोई ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करता हूं नॉर्मली, जब तक कि अति आवश्यक ना हो, लेकिन प्रोसेस पता होना चाहिए जिससे कि आपको नॉलेज हो और समाज में आप कंट्रीब्यूट कर पाओ, अगर किसी साइटेड के साथ बैठे हो तो, है ना, उसको बता पाओ, क्योंकि आपस में कोऑपरेशन से ही समाज में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ इस ट्यूटोरियल को मैं समाप्त करता हूँ। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ प्रश्न हो तो आप पूछें। यदि कोई टॉपिक आपको लगता है कि ऑफिस में या ट्रेनिंग में जरूरत पड़ रही है, वर्ड एक्सेल से रिलेटेड और पावर पॉइंट, है ना, तो उस बारे में मुझे बताएं। चलिए फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।